बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कुर्ती 4 साल की बच्ची के लिए, इसलिए हमने नाप ले ली है। नग वाले बीट चाहिए, ठीक है, 6-7 हमें चाहिए। जैसे कुर्ती की कटिंग होती है छोटे बच्चों की कलियों वाली, वैसे हमने स्लीव्स की कटाई कर ली है। नीचे से बॉर्डर आएगा और ऊपर से आर्मोल की जो कटाई है वो सीधी है, ठीक है। और हमें डिज़ाइन के लिए गोल्डन कपड़ा चाहिए, ये नीचे से बॉर्डर लगेगा, ये भी चाहिए। और ब्लैंकेट गला बनाएंगे, इसके लिए हमने नाप ली है। हमने गले का जो शोल्डर की नाप ली है वो हमने 2 इंच ली है, और लंबाई में हमने 3 इंच रखना है, क्योंकि इधर से सिलाई होगी तो हम इधर पे छुपा लेंगे पट्टी को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पिनटेक्स लगाएंगे लंबाई में, हमने एक तरफ पिनटेक्स लगा दिए हैं, अब दूसरी तरफ लगाएंगे। सिर्फ एक ही लगाना है, एक लगाएंगे सिर्फ। अब हम ब्लैंकेट गला बनाने के लिए पट्टी लेंगे 1 इंच की नाप के लिए। तो हमें लंबाई में ब्लैंकेट पट्टी हमें 8 इंच तक चाहिए, इसलिए हम बकरम की पट्टी 8 इंच से 1 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम फोल्डिंग करेंगे ना, इसलिए हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। एक इस साइड लगेगी और एक इस साइड लगेगी, ठीक है। अब हमने आयरन करके इस पट्टी को सेट कर दिया है, अब हम अटैच करेंगे कुर्ती को। तो हम इसको ऐसे अटैच करेंगे जितना हमें कपड़ा अंदर के लिए चाहिए, वहाँ पे हमने निशान कर दिया है। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को फिलहाल इतना सा काटेंगे, अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। इसको भी पूरे निशान पे अंदर कपड़ा इतना ही करेंगे जितना हमने निशान लगाया है। अब हम सिलाई करते जाएंगे। हमें जितना हमने ये कट दिया है इसे नाप करके हमने ये नीचे वाला कपड़ा काट लेना है, क्योंकि ये कपड़ा कुर्ती के ऊपर पट्टी लगेगी, इसलिए इतना नीचे लेकर फिर हम कुर्ती को सीधा करेंगे। और जो पहले पट्टी लगाई थी उसको नीचे करके जितना हमें इधर से थोड़ा गैप देना है, हमने कटिंग में भी गैप दिया था, इतना इसको पक्का कर देंगे। सीधी कुर्ती लेकर सीधा सीधा अब हमने जितने हमें लेंथ चाहिए 8 इंच की निशान है वहाँ पे काट कर, आई में जितनी पट्टी हमें चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। जो हमने ज़्यादा कपड़ा लिया था उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, सेट करके सेंटर में ये लगाएंगे। हम फिलहाल इधर से ही सिलाई को ख़त्म करेंगे। अब हम गोलाई में जो गला हमने काटा है उस पे निशान लगा के हम इसका कपड़ा कट कर देंगे।
हम शोल्डर अटैच करेंगे। हमने बैक साइड भी ये दो पिनटेक्स लगा दिए हैं, ये दोनों पिनटेक्स अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। अब हम गले की पट्टी काटेंगे, सीधी नहीं काटेंगे, आड़ी काटेंगे, इसलिए हमें पट्टी चाहिए लगभग 1.5 इंच। ठीक है, हमने 1.5 इंच ली है पट्टी, इसको फोल्ड करके इधर लगाएंगे। हम नाप करेंगे, अब हम कुर्ती को सीधा करके उसके ऊपर ये लगाएंगे सीधी तरफ, और उल्टी तरफ ये पट्टी जाएगी। ठीक है, हमने निशान लगा दिए हैं ये बराबर में आए, तो हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी को 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ये फोल्ड में आएगी। हमने पट्टी लगा दी है, अब हमने पट्टी लगा दी है, इसको अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब हम उल्टी साइड इसको फोल्डिंग करेंगे, इधर से जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा छोड़ा था इसको ऐसे पीछे करके इधर सिलाई लगाएंगे, इधर से पक्की सिलाई लगाएंगे। हमने पट्टी लगा दी है, अब हमने ब्लैंकेट गना बना दिया है, इसलिए हम स्लीव की डिजाइन बनाएंगे। इसलिए हमें गोल्डन कपड़े की ये स्क्वायर में ये कपड़ा काटेंगे, 2 इंच इधर से भी और 2 इंच इधर से भी, और ये आड़ी पट्टी चाहिए हमें कड़ा बनाने के लिए। ठीक है, अब सिलाई करेंगे। हमें ऐसी पट्टियां 2 चाहिए, और हम ये जो गोल्डन कपड़ा है स्क्वायर में काटा हुआ, इसका हम एक समोसा बनाएंगे। समोसा बना के इस पर सिलाई कर देंगे। सिलाई लगा के पक्का कर देंगे, इसको एक्स्ट्रा कपड़ा काट के फिर काटेंगे। हमने 5 समोसा बना लिए हैं सिलाई करके, अब इस पट्टी को सीधा करेंगे। पट्टी को फोल्ड कर लिया है, अब एक पट्टी हमें लंबी चाहिए ब्लैंकेट पे डिजाइन बनाने के लिए, और एक के हमने 1.5 इंच के साइज के हमने बना लिए हैं कड़े, ये स्लीव डिजाइन में लगेंगे। ठीक है, हम लगाएंगे स्लीव पे डिजाइन बनाएंगे, तो इसलिए जो कपड़ा अंदर फोल्डिंग होगा सिलाई में उस पे हम निशान लगाएंगे, ये सेंटर में और ये इस साइड। अब हम पहले 1/2 इंच के फासले पे ये समोसा लगाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलाएंगे, फिर हम एक कड़ा लगाएंगे, इसे हम सारी बाजों पे लगा देंगे। डिजाइन बना ली है, अब हम अटैच करेंगे कुर्ती पे। अब हमने ऐसे अटैच करनी है, इसलिए जितने ये निशान है आर्म होल का वहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1/2 इंच तक, दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे, और फिर निशान तक कट देंगे। दोनों तरफ से हम स्लीव को इधर रख के अब हम फिटिंग का जो कपड़ा है साइड से पहले हम इधर लगाएंगे, ऊपर से सिलाई लगा के
जहाँ पे हमने कट दिया था वहाँ तक आएंगे। और फिर अब शोल्डर तक हम जहाँ पे सिलाई लगाई थी वहाँ पे कुछ कपड़ा रख के हम अब हम कुर्ती के नीचे से जो हमारा बॉर्डर था वो बॉर्डर लगाएंगे इस तरह दोनों साइड फ्रंट पे भी और बैक साइड पे भी। हमने कुर्ती पे फ्रंट पे और बैक साइड पे बॉर्डर लगा दिया है। अब हम फिटिंग वाली सिलाई करेंगे इधर से यहाँ तक और फिर हम दामन की जो सिलाई है वो करेंगे। हमने जो ब्लैंकेट पे डिज़ाइन बनानी है ब्रूच वाली उस पे हम टसल्स लगाएंगे। हमें सिर्फ एक ही पट्टी चाहिए लंबाई में, उसको बराबर में फोल्ड करके एक इधर लगाएंगे एक इधर ऐसे करके। हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर इसको सीधा करेंगे दोनों को। और इनको बराबर करके हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। हमारी पट्टी तैयार है। अब हम बीट्स और ब्रूच बनाएंगे। अब हमने कुर्ती बना ली है, इसके दामन की सिलाई भी हमने कर ली है। अब हम इसके ब्लैंकेट पे ब्रूच वाली डिज़ाइन बनाएंगे। इसलिए हमें बीट्स चाहिए और ये पट्टी। इधर हम पहले बीट्स लगाएंगे इस लाइन में। हमने कुर्ती पे बीट्स वाले पर लगा दिए हैं। अब जो डोरी बनाई थी उसको हम ऐसे क्रॉस करके हम डोरी को ऐसे क्रॉस करके नीडल की मदद से टांका लगाएंगे इधर इधर सब जगह पे फिक्स कर देंगे। फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है, हमने कुर्ती बना ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें।